तो स्टूडेंट्स, अभी अपन टॉपिक देख रहे हैं जॉइंट वेंचर के अंदर रिकॉर्ड इन ईच पार्टीज बुक। ठीक है, हर पार्टी जो है अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगी। जैसे ए जो है, ए कौन से अकाउंट बनाएगा? ए बनाएगा एक तो जॉइंट वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए है, तो इसलिए इसका नेचर क्या होगा? ये नॉमिनल नेचर होगा। ठीक है, तो ए अपनी बुक्स में बना रहा है तो ए क्या लिखेगा? ए ने अगर कोई गुड्स लगाई तो लिखेगा टू परचेज। ए ने कोई खर्चे किए तो लिखेंगे टू बैंक। क्लियर है? लेकिन अगर बी ने कोई खर्चे किए तो उसमें सिर्फ बी का नाम ही आएगा कि हाँ बी ने इतनी गुड्स लगाए, इतने एक्सपेंस के, पर नाम क्या, अकाउंट क्या लिखना है? टू बी। कैसे? बी को कोई कमीशन दिया तो टू बी। अब अगर ए ने सेल की तो बाय बैंक, ये सेल बाय ए है तो बाय बैंक, और अगर बी ने सेल की तो बी का नाम आएगा। यानी ए अपने लिए तो जेन्युइन अकाउंटिंग कर रहा है, यानी टू बैंक बाय बैंक जो भी, लेकिन अगर बी के लिए आता है तो बी का सिर्फ नाम ही आएगा, चाहे डेबिट में है चाहे क्रेडिट में है। बैलेंसिंग में जब प्रॉफिट निकलेगा तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो बी को तो बी का नाम लिख के ही किया जाएगा। यानी बी का कोई भी ट्रांजेक्शन ये टू बी या बाय बी करके देगा, और खुद का कहाँ डाल रहा है? खुद का प्रॉफिट जो है वो किस में डाल रहा है? पी एंड एल के अंदर डाल रहा है। इस तरीके से जॉइंट वेंचर अकाउंट जो है वो आपका बनेगा। फिर बनेगा बी का अकाउंट, बी का पर्सनल अकाउंट है, यहाँ जहाँ भी टू बी या टू बी या टू बी लिखा है वो यहाँ बाय जॉइंट वेंचर करके आ जाएगा, और जहां भी बाय भी लिखा है वो यहां टू जॉइंट वेंचर करके आ जाएगा। फाइनल सेटलमेंट टू बैंक बैलेंसिंग फिगर या बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर या टू बैंक बैलेंसिंग फिगर कुछ भी हो सकता है, वह लेना या देना कोई भी अमाउंट जो है वो आपका हो सकता है। इस तरीके से ए ने कौन कौन से अकाउंट बनाए? जॉइंट वेंचर अकाउंट और बी अकाउंट। ऐसे ही अगर बी का पूछ ले तो बी भी एक तो अकाउंट बनाएगा जॉइंट वेंचर का, और बी किसका अकाउंट बनाएगा? ए के लिए अकाउंट और बनाएगा। ऐसे ऐसे दोनों ही पार्टियां जो है सारे रिकॉर्ड मेंटेन करती है। तो इसका क्वेश्चन जो है वो अपन करके देखते हैं। इसलिए हम एग्जाम्पल जो ले रहे हैं, दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 5, और इलस्ट्रेशन नंबर 5 में अपन इस चीज़ को समझेंगे। तो दो पर्सन है, राम और रहीम। तो मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो समझा रहा हूँ इन द बुक्स ऑफ राम। ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ राम। तो राम कौन कौन से अकाउंट बनाएगा? देखो, राम जो अकाउंट बनाएगा, एक तो बनाएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट, ठीक है, और दूसरा अकाउंट वो किसका बनाएगा? दूसरा अकाउंट वो बनाएगा रहीम्स अकाउंट। इस तरह से दो अकाउंट मेंटेन करेगा वो, जॉइंट वेंचर एंड रहीम। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखें क्या कहता है। राम एंड रहीम एंटर इनटू ए जॉइंट वेंचर टू टेक द बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट 24 लाख। तो सौदा कितने में तय हुआ? 24 लाख में। दे प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय देम, और उनके खर्चे जो हैं वो इस तरीके से हैं। तो देखो, आपको राम के खर्चों का कॉलम अलग से दे रखा है, रहीम के खर्चों का कॉलम अलग से दे रखा है। क्योंकि हम राम की बुक्स में बना रहे हैं तो राम अपनी तो जेन्युइन अकाउंटिंग करेगा। राम ने जो भी खर्चे पे किए उसके लिए वो क्या लिखेगा? टू बैंक। राम ने मटेरियल का खर्चा पे किया 6,80,000, सीमेंट का खर्चा पे किया 1,30,000, आर्किटेक्ट फी पे की 1 लाख, यानी जो भी खर्चे उसने पे किए हैं उसके लिए वो टू बैंक लिख रहा है, और कोई खर्चा इसने पे जो है वो नहीं किया है। तो कुल मिला के राम के जो खर्चे हुए वो हो गए 9,10,000 जो उसने पेमेंट किए। फिर रहीम के खर्चे हैं, तो रहीम के लिए वो टू बैंक नहीं लिखेगा, उसके लिए तो उसका नाम ही आएगा टू रहीम। तो ध्यान से देखें, रहीम के लिए खर्चा किया मटीरियल, रहीम ने जो खर्चे किए 5 लाख, सीमेंट पे खर्चा हो गया 1,70,000, वेजेस पे खर्चा हो गया 2,70,000, लाइसेंस फी पे हो गई 50,000, और प्लांट पे खर्चा हो गया आपका कितना? 2 लाख रुपये। इस तरीके से ये सारे खर्चे रहीम के, रहीम के खर्चों का जो टोटल है वो आपका हो रहा है 11,90,000। क्लियर है यहाँ तक? भाई जो राम ने खर्चे किए उसके लिए तो वो क्या लिखेगा? टू बैंक। और जो रहीम ने खर्चे के लिए उसके क्या आ जाएगा? रहीम का नाम आ जाएगा। आगे लिखा है, प्लांट वाज वैल्यूड 1 लाख एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड रहीम एग्री टू टेक इट एट दैट वैल्यू। यानी प्लांट है, अब किसी को लेना पड़ेगा, कोई गोइंग कंसर्न नहीं होता इसके अंदर, जॉइंट वेंचर के अंदर, तो रहीम ने ये ले लिया। तो वैसे तो हम लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, पर यहाँ क्लोजिंग स्टॉक रह नहीं सकता, तो बाय रहीम। रहीम के पास प्लांट आ गया, कितने रुपए का? 1 लाख रुपए का प्लांट रहीम को दे दिया, नाम लिख दिया उसका। कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट 24 लाख था, वो रिसीव किया राम ने, और हम राम की तो बुक्स बना रहे हैं तो यहाँ राम ने रिसीव किया तो क्या लिखेगा? बाय बैंक। 24 लाख आपको कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट है जो आपको रिसीव हुआ है। प्रॉफिट और लॉस इज टू बी शेयर्ड इक्वली, और प्रॉफिट और लॉस जो जो भी हैं वो आपके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट
कर लिए गए, ये बात अपन को कही गई है। क्लियर है? तो आप क्रेडिट साइड का टोल करें, क्रेडिट साइड का टोल आ रहा है 24 and 1 25 लाख। तो डेबिट का टोल भी कितना आना चाहिए? 25 लाख आना चाहिए, लेकिन ये 25 लाख नहीं आ रहा। देर इज अ प्रॉफिट ऑफ 4 लाख। अगर हम बैलेंसिंग वगैरह में निकालेंगे तो प्रॉफिट कितना निकलेगा? 4 लाख। 4 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करना और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन्होंने इक्वल का था, तो इक्वल बांटते हैं। तो रहीम को तो रहीम का प्रॉफिट दे दो, तो रहीम 4 लाख को 2 इक्वल पार्ट में बांटा, 2 लाख तो रहीम को मिल गया और 2 लाख राम का पार्ट है। राम अपना प्रॉफिट सीधे किस में डाल देगा? पी एंड एल में। कितने रुपए? 2 लाख रुपए। इस तरीके से ये 4 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रॉफिट का हो गया। रहीम के जो भी ट्रांजेक्शन हो टू रहीम बाय रहीम करके होंगे, ये बात ध्यान रखना। अब रहीम का अकाउंट बनेगा तो डबल एंट्री सिस्टम लगा दो, अब कोई दिक्कत नहीं है। रहीम का अकाउंट बनाया है, यहाँ लिखा है टू रहीम, तो रहीम में क्या लिखेंगे? बाय ज्वाइंट वेंचर 11,90,000। और यहाँ लिखा है टू रहीम, तो यहाँ लिखेंगे बाय ज्वाइंट वेंचर 2 लाख। पूरा डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है तो सब कुछ क्रॉस ही होगा, ये बात रखना। क्रॉस एंट्री होती है हमेशा। यहाँ लिखा है बाय रहीम, यहाँ क्रेडिट साइड में, तो यहाँ डेबिट में क्या लिखेंगे? 2 ज्वाइंट वेंचर कितने रुपए? 1 लाख रुपए। और कुछ ट्रांजेक्शन आपको दे नहीं रखा, तो क्रेडिट साइड का टोटल जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 13,90,000। तो डेबिट का भी 13,90 आना चाहिए, जो नहीं आ रहा, कितने का डिफरेंस है? 1290 का। तो ये फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा और टू बैंक करके फाइनल पेमेंट जो है वो आपका हो जाएगा। इस तरीके से रहीम का अकाउंट आपका बनेगा। क्लियर है? तो ये किसकी बुक्स में थे? ये राम की बुक्स में थे। और हमने कौन कौन से अकाउंट बनाए? जॉइंट वेंचर एंड रहीम। अगर यही रहीम अकाउंट बनाता तो अगर मैं रहीम की बुक्स में बात कर रहा हूँ, तो रहीम की बुक्स में अगर ये आपके बनते तो फिर कौन कौन से अकाउंट बनते? अकाउंट तो यही है, एक तो जॉइंट वेंचर अकाउंट, और रहीम दूसरा अकाउंट किसका बनाता? दूसरा अकाउंट वो बनाता राम का अकाउंट। सही है? तो रहीम एक तो बना रहा है जॉइंट वेंचर अकाउंट, वही शुरू से क्वेश्चन देखते हैं। अगर अपन पिछले वाले को देखें तो राम ने अपनी बुक में लिखा था क्या? टू बैंक। तो रहीम क्या लिखेगा कि भाई ये खर्चे तो राम ने पे किए हैं, तो वो लिखेगा टू राम। वही सारे खर्चे कौन से? मटेरियल 680, सीमेंट 130 और आर्किटेक्ट फी 1 लाख। कुल मिलाकर 9,10,000 के खर्चे राम ने किए, इसलिए टू राम लिख देगा। और जो खर्चे खुद ने किए थे उसके लिए क्या लिखेगा? टू बैंक। और अगर अपन सारे खर्चे देखें रहीम के तो वो आएंगे 11,90,000। सही है? इसके अलावा 24 लाख रुपए रिसीव किए थे किसने? राम ने। तो बाय राम कितने? 24 लाख। और 1 लाख का इक्विपमेंट जो है वो रहीम ने ले लिया था, तो उसके पास इक्विपमेंट आया है या प्लांट आया है, तो वो क्या लिखेगा? बाय प्लांट डेबिट व्हाट कम्स इन के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 लाख रुपए। अब क्रेडिट साइड का टोल कर देंगे, उसमें से डेबिट साइड को लेस करेंगे, 4 लाख का टोटल प्रॉफिट आएगा। उस 4 लाख के प्रॉफिट को जब हम बांटेंगे तो रहीम अपना प्रॉफिट तो किस में ले लेगा? पी एंड एल में। और जो राम का प्रॉफिट है वो किस में डाल देगा? वो राम में डाल देगा। कितने रुपए? 2 लाख। इस तरह से इक्वल प्रॉफिट जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब बनेगा राम का अकाउंट, तो देखो यहाँ लिखा है टू राम, तो राम में क्या लिखेंगे? बाय जॉइंट वेंचर कितने रुपए? 9,10,000। ये लो 9,10,000। और क्या है? और ये रहा टू राम 2 लाख, तो यहाँ आ जाएगा बाय जॉइंट वेंचर 2 लाख। यहाँ लिखा है बाय राम 24 लाख, तो यहाँ आ जाएगा टू जॉइंट वेंचर 24 लाख। तो डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो अपन बैलेंसिंग फिगर में जब निकालेंगे तो ये आपका निकलेगा बाय बैंक 12,90,000। तो समझने की बात यह है कि जब अपन ने राम की बुक्स बनाई थी तो राम क्या आया था? टू बैंक 12,90,000, इसने पेमेंट किया है। तो यही अमाउंट जो है वो रहीम ने रिसीव किया, तो रिसीव राम से, तो वो क्या लिखेगा? बाय बैंक। तो यानी एक के टू बैंक आया तो दूसरे के क्या आएगा? बाय बैंक। तो ये है आपका जो रिकॉर्ड इन ईच पार्टीज बुक, यानी राम भी रिकॉर्ड कर रहा है और रहीम भी रिकॉर्ड कर रहा है। ओके, तो इसके लिए नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है, नॉर्मली सीपीटी में और सीएस के जो है इसी के क्वेश्चन आएंगे। इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा? या तो एंट्री पूछ ली जाएगी, तो एंट्री क्या बनेगी? जॉइंट वेंचर टू बैंक, अगर राम की बुक्स में कर रहे हैं, जॉइंट वेंचर टू रहीम। नॉर्मली इसमें क्या होता है, आपसे प्रॉफिट पूछा जाता है।
ठीक है, तो प्रॉफिट आप इस तरह से बैलेंसिंग फर्म में निकाल देते हैं। और ये हो सकता है आपसे फाइनल सेटलमेंट पूछा जाए, तो देखो प्रॉफिट पूछा तो एक ही अकाउंट से काम चल जाएगा, लेकिन अगर फाइनल सेटलमेंट पूछा है तो आपको रफली जॉइंट वेंचर अकाउंट पहले बनाना पड़ेगा जिससे कि प्रॉफिट कैलकुलेट हो सके, उसके बाद रहीम का अकाउंट बनाना पड़ेगा उससे फाइनल सेटलमेंट निकलेगा। यानी अगर केवल प्रॉफिट पूछा है तो जॉइंट वेंचर से काम चल जाएगा, लेकिन अगर सेटलमेंट पूछा है तो दोनों अकाउंट बनाने पड़ेंगे, ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन 50% क्वेश्चन सीपीटी में इसी मेथड के, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।